सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज आप फरी पांचमू चेप्टर लईने जे धना भगत रचित छे रामबाण लईने आपणे उपस्थित थया छे। धोरण 12 आर्ट्स अने धोरण 12 कॉमर्स ना अंदर आ वचन स्वरूपे आपणा सामे आव्युं छे। सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों आपणे कविनो परिचय मेळवीए। धना भगत क्याना वतनी हता ते जोईए। भक्ति करता करता भजन रचनार धना भगत धोड़ा जंक्शन तालुको उमराणाना वतनी हता। धना भगत ना जीवन विषे खूब ओछी माहिती आपणाने प्राप्त थाय छे, वधारे माहिती धना भगत नी नथी मळती। विद्यार्थी मित्रों धना भगत नो समय आपणे जोईए तो 18मुं शतक, जेमनो अवसान 1775 मां थयुं हतुं। रामबाण विषे धना भगते कह्युं छे के रामबाण एटले प्रभुनी भक्तिनुं बाण, अर्थात प्रभु भक्तिमां घायल के लीन के तल्लीन थई जनार व्यक्तिओ विषेनी वात छे। ए आखे आखा समग्र रामबाण भजननुं कथावस्तु आपणे जोवा जईए तो ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव, मोरध्वज जे एक राजा छे एमना ऊपर आखे आखी कथावस्तुनुं वर्णन छे। ध्रुव उत्तानपादनो पुत्र छे, प्रहलाद हिरण्यकश्यपुनो पुत्र छे, सुखदेव व्यासनो पुत्र छे अने मोरध्वज राजा जे पौराणिक एक राजा छे एमना विषय वस्तुने लईने आपणे आजे धना भगत रचित रामबाण काव्य आपणे जोवाना छे। रामबाण ए भक्तिरूपी काव्य छे अने भक्तिरूपी काव्य होवाना कारणे ईश्वरना सानिध्यमां आपणे कई रीते रहेवू जोईए, कई रीते आपणा जीवनने व्यतीत करवू जोईए तेना तरफ आंगणी चिंधता धना भगत वर्णवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों चालो आजे आपणे फरीथी आ धना भगत ए रचेला रामबाण विषे जोईशुं। तो काव्य विद्यार्थी मित्रों काव्य आखे आखू पांच पंक्तिमां विभाजित छे। पांचे पांच पंक्ति ना अंदर आपणे जोवाना छे के प्रभु भक्ति भाण कई रीते लागे छे। तो शुरुआत करे छे पहली पंक्ति ना अंदर धना भगते वर्णव्यू छे रामबाण वाग्या होय ते जाणे, प्रभुना बाण वाग्या होय ते जाणे, ओल्या मूर्ख मनमां शुं आणे, रामबाण वाग्या होय ते जाणे। जेने पण रामबाण वाग्या छे विद्यार्थी मित्रों ते ज आ विषय वस्तुने जाणी शके छे। जेने मूर्ख व्यक्ति होय ए मूर्खना मनमां क्यारे प्रभुने आवी न शके, प्रभु भक्ति कई क्यारे ए एना अंदर एना हृदयमां वसी न शके। एटले कीधुं छे के रामबाण वाग्या होय ते जाणे, प्रभुना बाण वाग्या होय ते जाणे, ओल्या मूर्ख मनमां शुं आणे, रामबाण वाग्या होय ते जाणे। बीजी पंक्तिमां कीधुं छे अहीं आपणे जोयुं के कथा वस्तु जेना उपर आधारित छे, ध्रुवने लाग्यां, प्रहलादने लाग्यां ते करी ठरीने बैठा रे ठेकाणे। ध्रुवने पण आ रामबाण लाग्या हता अने प्रहलादने पण रामबाण एटले के भक्तिरूपी बाण लाग्या हता। तो ए पोते ठरीने बेसी जवू, एटले विद्यार्थी मित्रों ठरीने बेसी जवू एटले निराद थई जवू, पण सा कारणे निराद थई जवू के बिलकुल निश्चिंत थई जवू, जेने ईश्वर मळी जाय ते हमेशा निश्चिंत थई जाय छे। ते ठरीने बैठा रे ठेकाणे गर्भवासमां, तमने ख्याल हशे विद्यार्थी मित्रों सुखदेवजी ज्यारे गर्भवासमां हता, सुखदेवजी कोण छे विद्यार्थी मित्रों जोईशुं के व्यासना पुत्र छे। तो ज्यारे सुखदेवजी गर्भवासमां हता ते समय दरमियान ए गर्भवास दरमियान एमनी माता वेद वचनोनो अध्ययन करता अने वेद वचनोनो अध्ययन करीने ए पोते सुखदेव गर्भवासमां हता ते समय दरमियान एमने प्रभु भक्तिना जे बाण छे ए प्रभु भक्ति छे ए प्रभु भक्ति एमने गर्भवासमां समझाई गई हती। अने पछी ज्यारे एमनो जन्म थाय छे त्यारे ए धर्मनो प्रसार अने प्रचार करे छे। आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों तीजी पंक्तिना अंदर कीधुं छे मोरध्वज राजा विषे वर्णव्यू छे। मोरध्वज राजा नुं मन हरी लेवा, हरी आव्या जेटाणे। मोरध्वज राजा छे अने मोरध्वज राजा ने मन ने हरी लेवा माटे ते समय दरमियान हरी ए टाणे आवे छे, पण शुं थयुं हतुं के मोरध्वज राजा पोतानुं मस्तक करवतथी कापता हता अने पोतानुं मस्तक ज्यारे करवतथी कापता हता ते समय दरमियान हरी जे छे हरी पत्नी अने पुत्रना स्वरूपे त्यां उपस्थित थया अने मोरध्वज ने आ कार्य करवा पर रोक लगावी। तो मोरध्वज राजा नु ज्यारे मन हरी तरफ वळी गयो हतु तो एमने एटलो आत्मविश्वास हतो के हुं जो मारा
गड़ा ऊपर करवत हूँ चलाऊ के तलवार हूँ चलाऊ तो पण हूँ क्यारे मृत्यु पामीश नहीं। सा कारणे केम के एमने अडग विश्वास हतो, अडग मन में एवो विश्वास हतो के मारा प्रभु मारा साथे छे तो कशु मने थवानु नथी। आगळ चौथी पंक्ति में वर्णन करे छे धना भगत अने कहे छे मीराबाई ऊपर क्रोध करीने राणोजी खड़क खड़गज ताणे अने मीराबाई आप सौ जाणो छो मीराबाई नी भक्ति पण कई विसरी जवा योग्य नथी। मीराबाई नी भक्ति पण खूब प्रचलित थई छे, मीराबाई ने कृष्ण प्रत्ये खूब भक्ति हती तेथी राणाजी ने आ वस्तु गमती न हती, मीराबाई ना सत्संग एमने गमता न हता। अने मीराबाई जे संत अने महापुरुषों ने पोताने त्यां घरे बोलावीने जमाडता ए राणाजी ने गमतू न हतू। मीराबाई बिल्कुल आस्तिक जीवन जीवता, ज्यारे राणोजी नास्तिक जीवन जीवता, अने तेथी ज राणाजीए एक समये खड़क एटले के मित्रों खड़क एटले तलवार, अने राणाजीए आ मीराबाई उपर तलवार ताणी हती पण एना पछी पण मीराबाई ना सामे एमणे विषना प्याला धर्या हता। अने तमने हुं कही दो विद्यार्थी मित्रों के आ विषना प्याला गिरधर, गिरधर एटले के श्री कृष्ण, गिरधर गिरधरे आरोग्या ए तो अमृत ने ठेकाणे। अने ए समय दरमियान ए जे विषना प्याला हता ए विषना प्याला ने अमृत करनार पण कोण हता, ए ज श्री हरि हता, ए श्री कृष्ण हता, ए ज प्रभु हता के जेमणे मीराबाई ने पण बचावी लीधा हता। आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों नरसिंह मेहता नी हुंडी स्वीकारी। आप सौ जाणो छो नरसिंह मेहता एक सामान्य व्यक्ति हता पण प्रभु भक्ति मां एटला ओतप्रोत हता के खुद नरसिंह मेहता नी हुंडी 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 एटले नाणानी आपले માટેની જે ચિઠ્ઠી છે એ ચિઠ્ઠી ખુદ ઈશ્વરે સ્વીકારી અને શ્રી કૃષ્ણએ સ્વીકારી, અને કુંવરબાઈનું જે મામેરું છે એ મામેરું એમને એમની રીતે વ્યવસ્થિત રીતે થયું હતું। તો નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારી ખેપ ભરી ખરી ટાણે, અને એ સમય દરમિયાન નરસિંહ મહેતાને સાચવવાનું કાર્ય પણ આ શ્રી હરિએ કર્યું હતું। અને આગળ ધણા ભગત છેલ્લી પંક્તિમાં વર્ણવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કહે છે આગળ સંત અનેક ઓધાર્યા, ઓધાર્યા એટલે કે ઉદ્ધાર કર્યા, એટલે કે આગળ ઘણા બધા એવા સંતો છે કે જેમણે પોતાના જીવનને પ્રભુ ભક્તિમાં લીન કર્યું, પ્રભુ ભક્તિ તરફ એમણે પોતાના જીવનને વ્યતીત કર્યા, અને એ કારણે એવું બન્યું કે એમનું જીવન ખૂબ નિર્મળ બની ગયું, એમના જીવનના અંદર શાંતિ અને સમજૂતી સાથે એમનું જીવન જ્યારે જીવતા રહ્યા ત્યારે આગળ સંત અનેક ઓધાર્યા એવું ધના ભગત ઉર્માન, અને એવું એ ધના ભગત પોતાના દિલમાં વિચારે છે કે ઘણા બધા સંતો મહંતો જતા રહ્યા પરંતુ જ્યારે એ પ્રભુ ભક્તિમાં લીન હતા તો એ સુખી અને સંપન્ન હતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલો આ નાનકડો કાવ્યના અંદર આપણને ખબર પડે છે કે ભક્તિ શું છે, ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ શું છે એ રામબાણમાં આપણને ખ્યાલ આવે છે। ઈશ્વર આપણા સાનિધ્યમાં હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જીવનના અંદર કેટલાય કપરા મુશ્કેલીના જે કાળ છે એ કાળ પણ આપણને સામાન્ય લાગે છે, તેથી ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા આપણે હંમેશા રાખવી જોઈએ, અને હંમેશા ઈશ્વર પ્રત્યે હંમેશા આપણને જે શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધામાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહેવું જોઈએ। કારણ એટલું છે કે જીવનના અંદર ઘણા લોકો મળશે પરંતુ ઈશ્વરનો સંગાત જ્યારે તમને મળી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જીવનમાં કશું એમ આપણને જોઈતું નથી। તો આશા રાખું છું કે આ જે રામબાણ છે એ રામબાણ આપણને આપણે તમને સમજાવ્યું છે અને એ આપ સૌને સમજ્યું હશે આશા રાખીએ છીએ। આ વિડીયો આપ લોકો સુધી પહોંચે, આભાર, ધન્યવાદ।